फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी लिटिल गार्डन। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सिलोसिया यानी कॉक्सकॉम। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको इस वीडियो की थोड़ी एक शॉर्ट जर्नी दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपने इस पौधे की पूरी केयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसको सिलोसिया बोलते हैं। ये इस तरीके के कॉम नहीं बनती है, बल्कि ये इस तरीके से लंबे लंबे होते चले जाते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सब में इस तरीके से लंबे लंबे से प्लांट्स निकल रहे हैं। इन्हीं में शीट पोर्स बनते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसे कॉक्सकॉम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉक होता है मुर्गा, उसके सर पे जो एक कॉम होती है, उसकी तरह इसका कुछ शेप होता है, इसीलिए इसे कॉक्सकॉम कहते हैं। तो ये भी बहुत सारे कलर्स में होता है फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, एक ये येलो में है, ये तो पूरा ही कॉक का शेप इसने लिया हुआ है, कॉक्सकॉम का शेप। तो ये भी बहुत खूबसूरत एक समर के लिए प्लांट है फ्रेंड्स, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मात्र 8 इंच के पॉट में मैंने इसे लगाया हुआ है और इसमें सिलोसिया भी लगे हुए हैं कुछ, जो कॉक्सकॉम की एक दूसरी वैरायटी है। और ये आप देख सकते हो, ये बालसम भी लगा हुआ है। दोस्तों, कॉक्सकॉम को लगाना बहुत ही आसान है। आप इसे साधारण मिट्टी के साथ जो खाद होती है, गोबर खाद, उसमें आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसे मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, तो मैंने इसमें 50% साधारण मिट्टी और 20% जो खाद होती है गोबर, वो मिलाई हुई है दोस्तों। और उसमें ही ये बहुत अच्छे से मेरा लग गया है प्लांट। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये एक अपने आप में है। इसी तरीके से सिलोसिया भी सेम ऐसे ही ग्रो होता है। एक बार ये अपने गार्डन में आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ वहाँ इसकी शीट गिरने से ये खुद ही खुद सीजन में अपने आप ही नए नए बेबी प्लांट्स निकल के आते हैं। तो आपको इन्हें धूप दिखानी है दोस्तों, डेली वाटरिंग करनी है। और फर्टिलाइज़र की आप बात करते हैं, तो इसे आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैं इसे बनाना पील और वुड ऐश या फिर केवल गोबर खाद ही इसे देती हूँ, तो उसमें ही ये काफ़ी अच्छा चलता है। तो मैंने कभी भी किसी केमिकल जो कंपोस्ट या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र है, कभी किसी को नहीं दिया है। तो मैं ऑर्गेनिक चीज़ों को ही अपने प्लांट्स में देती आई हूँ और उसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कभी कोई दूसरी चीज़ ट्राई ही नहीं करी। तो दोस्तों, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। इसे आप फरवरी बसंत में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, बरसात में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये पूरी सर्दियों में आपके गार्डन में बना रहने वाला पौधा है। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है और किस किस तरीके के मैं वीडियोज़ आपको बनाकर दिखाऊं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।